स्वामी विवेकानंद जयंती पर यूथ रन फॉर नेशन के तहत जहां संपूर्ण देश में कार्यक्रम आयोजित किए गए, वहीं सोनीपत से भी यूथ रन फॉर नेशन कार्यक्रम के तहत सांसद रमेश चंद्र कौशिक ने दौड़ लगाने वाले युवाओं को हरी झंडी दिखाई एवं उनके साथ खुद भी दौड़ लगाई। यहां मैराथन को 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर व 15 किलोमीटर की अलग अलग कैटेगरी बनाई गई थी। वहीं सोनीपत जिले में लगभग 15,000 युवाओं ने रन फॉर यूनिटी में भाग लिया, जिससे युवाओं के अपनी सेहत पर ध्यान देने का भरपूर उदाहरण सामने आया। वहीं सांसद रमेश चंद्र कौशिक ने रन फॉर यूनिटी के बारे में बताते हुए सोनीपत लोकसभा के विकास पर भी खुलकर चर्चा की। रन फॉर यूथ का आयोजन पूरे प्रदेश में किया गया है। हमारे यहाँ भी 16,000 के करीब का रजिस्ट्रेशन हुआ है और लोगों में जो जोश है और अपने स्वास्थ्य प्रति जो लोगों में अब लगाव बढ़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर, इससे देश भी मजबूत होगा, क्योंकि अगर देश को तरक्की करनी है तो स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है। इसी कड़ी में आज ये देश तेजी से आगे बढ़ता हुआ आयोजन सोनीपत में काफ़ी उत्साह देखा जाए, इसके लिए इन बच्चों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और सभी संस्थाओं जिसने इसमें सहयोग किया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्होंने मेहनत करके इतनी भारी संख्या में लोग सोनीपत में पहुँचे हैं, मैं सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। कोरोना है अपने एक्सीलेटर वगैरह दूसरे 3 करोड़ रुपये उसके भी कराए हैं, लगभग 10 करोड़ रुपये में इस साल में रेलवे स्टेशन और रेलवे जो खर्च करने का प्रोग्राम है जींद में और सोनीपत में, इनमें 1 लाख रेलवे स्टेशन लाखों रुपये की साइड भी बनवा रहे हैं, एक साइड कन्नौर पर नया बनवा रहे हैं और जितने अपने पार्लियामेंट में जीत तो अपने, मैं एक बात प्रेस के माध्यम से सबको ये कहता हूँ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी काम उसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ। मुझे बताओ ये नया और करना है, पासपोर्ट ऑफिस अपना चालू हो गया, CH की डिस्पेंसरी बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत चालू हो गया और किसी ने ये नेशनल हाईवे का काम कुछ बंद करा है, 4 महीने में ये फिर शुरू हो जाएगा। रोहतक जोड़ा जी इन पर था उनका नया टेंडर कर दिया है, रेल को फैक्ट्री अगले साल तक कोचिज देने शुरू।